नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी सनातन के मानने वालों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आप देखेंगे कि यूएस में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है, फायर क्रैकर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वही भारतवर्ष के नेताओं को देखें तो यहाँ सेकुलर बनने की होड़ लगी पड़ी है। किसी भी नेता को आप नहीं देखेंगे कि वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हाँ ज्ञान जरूर दे रहा है। तो जो हमारा पारंपरिक त्यौहार जो विश्व के लोग मनाने लगे हैं और उससे धीरे धीरे ये प्रयास किया जा रहा है कि भारतवर्ष में उसके ऊपर रोक लगा दिया जाए। अब अचानक से तो रोक लगा नहीं सकते, तो अभी फायर क्रैकर एक बहाना है। जैसे आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना था कि वो बच्चों को शपथ दिला रहे थे कि वो फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में भारत को जीतते ही उनको फायर क्रैकर्स की याद आ गई। तो इस तरह के दोहरे मापदंड वाले नेता सिर्फ भारतवर्ष में ही पाए जाते हैं। जब दोहरे मापदंड वाले नेताओं की बात हो और उसमें नरेंद्र मोदी की बात ना हो तो वो चर्चा अधूरी रह जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिवाली को ये सेना के बीच जाते हैं और इनकी एक यूएसपी है, जहां जाएंगे अगर आपके गांव में भी चले जाएंगे तो कोई ना कोई इनका रिश्ता निकल जाएगा, या तो वहां भिक्षा मांगकर खाए होंगे, या तो उस जगह से गुजरे होंगे, कोई उनका रहने वाला होगा, या उस जगह का संबंध गुजरात से रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा। आप कहीं कभी इनके भाषण उठाकर देख लीजिए, जहां भी ये जाए उस जगह से इनका संबंध निकलना लाजमी हो जाता है। अब ये नहीं है कि इसमें कोई निंदा है, ये सच्चाई है जिसके ऊपर बात तो करनी ही पड़ेगी। अब ये सेना के बीच में थे, सेना से इनका रिश्ता बन गया है। रिश्ता तो बन ही गया इनका। अब इसी रिश्ते का तो परिणाम है कि एक इनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। पहली बार 30 साल में पहली बार ये मोदी सरकार की कमाल देखिए, पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो दो नौजवान मारे गए थे सेना की गलती थी और सेना ने अपनी गलती मानी। इंक्वायरी कमीशन बैठे और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है मेरे भाई बहन। 30 साल में नहीं हुआ है। और इसलिए मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मैं आपको न्याय दिलाने के लिए आया हूं, मैं आपको विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया हूं। मुझे आपकी सेवा करनी, आप मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। अब इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने अपने तृप्तिकरण के प्रोग्राम के लिए किस तरह से सेना को बलि का बकरा बनाया, सेना के ऊपर कार्रवाई हुई। आपने कई ऐसे फोटोज देखे होंगे जहां सेना के जवान को थप्पड़ मारी जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे, लेकिन वो रिएक्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। और मोदी जी जो है, इनके रिश्ते तो निकलते ही निकलते हैं, इसके अलावा कहीं भी ये जाए तो इनका जो कैमरा प्रेम है जो कि बखूबी देखा जा सकता है। अब जैसे ये केदारनाथ में थे, देखिए पुजारी को हटाया जा रहा है क्योंकि कैमरा और इनके बीच में कोई बाधा ना है। और कई बार तो ये खुद भी ऐसा करते देखे गए। देखिए कैमरा के लिए एक प्रधानमंत्री कि उसका अटेंशन गड़बड़ ना हो लोगों को हटा रहा है। तो ये तो इनका कैमरा प्रेम जैसे कि आज सेना के बीच में भी दिखा। और एक चीज भी है, जहां जाते हैं वैसा ही भेष धारण कर लेते हैं।
जब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के तहत 15 जातियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो 15 जातियां कौन है? वाल्मीकि समाज जो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन गया है, इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान से जो आए थे सुनार स्वर्णकार और पहले से एग्जिस्टिंग मुस्लिम तेली जो थे, ऐसे करके 15 जातियों को इन्होंने रिजर्वेशन दिया है। अब जो क्रिश्चियन बन गए उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो फिर क्या ये धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देगा? और ये जो खेल खेल रहे हैं इन लोगों का, इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि हिंदुओं की जनसंख्या कैसे भी कम हो जाए, उसको धीरे धीरे करके सनातन को समाप्त कर दिया जाए। अब जब धर्मांतरित होने के बाद भी उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, जहां ये बताया जाता है कि वहां कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर किस आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है? और इस तरह से रिजर्वेशन दिया जाएगा तो लोग हिंदुइज्म से ही तो कन्वर्ट होकर दूसरे रिलीजन में जा रहे हैं, तो इस तरह से धर्मांतरण बढ़ेगा। तो ये सब देखकर आप तय कर सकते हैं कि मोदी सरकार सनातन के विरुद्ध किस तरह से काम कर रही है। देखिए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या नारे जुमले तराशे जा रहे हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी पॉलिसी क्या है। तो इनकी जितनी भी पॉलिसी है वो यहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट है। आप खुद देख लीजिए, खुद समझ सकते हैं। जो इनका हिंदू द्रोह आज खुलकर दुनिया के सामने दिखने लगा, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाहिर रखें, लेकिन हाँ, मक्कार मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।